सोलराइट गाइस इज द बेस्ट लैपटॉप अंडर 60,000। और भाई 60,000 के बजट में हमको काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, हम i5 11 जेन ले कि 12 जेन ले कि 13 जेन ले या राइजन का 7535H ले या 6600H ले। ये सभी डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा आज की इस वीडियो में, क्योंकि भाई हमने सभी प्रोसेसर रिव्यू कर रखा है और बेंचमार्क के ग्राफ से आप इजीली समझ पाएंगे विच इज परफेक्ट प्रोसेसर फॉर यू। और दोस्तों अब वो जमाना चले गया जब हम 1650 का ग्राफिक्स लेते थे अंडर द बजट ऑफ 60,000। अब जमाना आ गया है RTX 2050 RTX 3050 ग्राफिक्स का। सो आज के लिस्ट में काफी अच्छे अच्छे लैपटॉप है। सबसे मजे की बात, सभी लैपटॉप मैंने ऑलमोस्ट रिव्यू कर रखा है यार। और भाई किसी लैपटॉप को प्रॉपर रिव्यू करके सजेस्ट करना और स्पेसिफिकेशन देख के सजेस्ट करना, दोनों में जमीन आसमान अंतर है। क्योंकि जब हम लैपटॉप रिव्यू करते हैं ना तो एक्चुअल उसके बारे में डिटेल में पता चल पाता है कि क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं और भी बहुत कुछ। सो यार लेट्स डाउन इनटू द लिस्ट। फर्स्ट लैपटॉप यहाँ पर मैंने HP का सिलेक्ट किया है, मॉडल नंबर इज HP 15HR0000TU। यह अभी 62,890 में अवेलेबल हो रहा है। आफ्टर अप्लाइंग ऑल द बैंक डिस्काउंट आपको इजिली अंडर 60,000 अवेलेबल हो जाएगा। लैपटॉप PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। इंटेल का लेटेस्ट 13 जेन i3-1335U प्रोसेसर दिया गया है। एंड आपको पता होना चाहिए यू सीरीज का जो प्रोसेसर रहता है उसका बेस TDP रहता है 15 वॉट। एंड ये जितने भी लाइट लेवल के वर्क रहता है, लाइक आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, कोडिंग करना है, थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग करना है, उनके लिए बना रहता है। और भाई इंटेल के i5 13 जन 1335U में आपको 10 कोर देखने को मिलते हैं, 12 थ्रेड, 10 कोर में से 2 परफॉर्मेंस कोर एंड 8 इफिशियंट कोर। और भाई थिन एंड लाइट लैपटॉप है तो यहाँ पर इंटेल i7 इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स दिया हुआ है। और सबसे मजे की बात, यहाँ पर 16GB DDR4 3200MHz का डुअल चैनल रैम दिया हुआ है। एंड मैक्सिमम 16GB तक कहीं रैम लगा पाएंगे इन HP 15 लैपटॉप। 512GB का Gen 3 SSD है। SSD भी आप अपग्रेड कर पाएंगे बाय रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग वन। और भाई मैंने HP 15 i5 13 जेन के साथ रिव्यू कर रखा है, डेफिनेटली लुक एंड वॉच इट अगर आपको ये लैपटॉप के बारे में डिटेल में जानना है। 15.6 इंच फुल HD SVO पैनल का डिस्प्ले देखने को मिलता है, 250 नीट्स का पीक ब्राइटनेस एंड 45% NTSC का कलर गैमेट। वही थिन एंड लाइट लैपटॉप है तो नॉर्मल 60Hz का ही रिफ्रेश रेट दिया गया। बाकी पैनल यहाँ पर IPS नहीं है यार, SVA है। तो आप सामने से वर्क करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन आप थोड़ा साइड से देखें तो आपको कलर शिफ्ट देखने को मिल सकता है ड्यू टू द SVA पैनल। बाकी बैकलिट कीबोर्ड है, MS Office है, सभी नेसेसरी पोर्ट्स अवेलेबल है इंक्लूडिंग द टाइप सी पोर्ट एंड फिंगर। और भाई फिंगरप्रिंट रीडर मॉडल टू मॉडल डिपेंड करता है, किसी मॉडल में रहता है किसी मॉडल में नहीं रहता। बाकी HP के सभी थिन एंड लाइट लैपटॉप में आपको 3 cell 41 watt hour का बैटरी देखने को मिलता है, तो आप मैक्सिमम 5 to 6 hours का ही बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये यू सीरीज का प्रोसेसर है तो काफी अच्छा पावर एफिशिएंट रहता है। और भाई Cinebench i23 का कंपैरिजन ग्राफ आपके सामने है, आप यहाँ पर कंपेयर कर पाएंगे विच प्रोसेसर इज मोर पावरफुल। दोस्तों जिनको 60,000 के बजट में एच क्लास प्रोसेसर चाहिए, Lenovo IdeaPad Slim 3 ये भी 58,490 में अवेलेबल हो रहा है। लैपटॉप PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। यहाँ पर इंटेल का 13 जेन i5 13420H प्रोसेसर दिया गया है। टोटल 8 कोर है, बट मजे की बात 8 कोर में से 4 परफॉर्मेंस कोर है, 4 एफिशिएंट कोर। बाकी 16GB LPDDR5 4800MHz का डुअल चैनल रैम दिया गया है, विच इज नॉट फर्दर अपग्रेडेबल क्योंकि LPDDR5 है, बट बिलीव मी यार 16GB रैम इज मोर देन इनफ फॉर ऑल योर मल्टीटास्किंग वर्क। 512GB का Gen 4 SSD है, वो आप अपग्रेड कर पाएंगे बाय रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग वन। बट अच्छी बात, Lenovo ने यहाँ पर फाइनली इंप्रूव किया इन स्लिम 3 सीरीज। यहाँ पर 15.6 इंच का फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले देखने को मिलता है विद द एंटी ग्लेयर कोटिंग, 300 नीट्स का पीक ब्राइटनेस एंड 45% NTSC का कलर गैमेट। सो भाई यहाँ पर जो डिस्प्ले रहने वाला है वो काफी झकास रहेगा ड्यू टू द IPS पैनल। यहाँ पर भी आपको बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिलेगा लेकिन फिंगरप्रिंट रीडर नहीं रहेगा। और भाई आजकल सभी थिन एंड लाइट लैपटॉप में हमको MS Office होम एंड स्टूडेंट वर्जन का लाइफ टाइम लाइसेंस देखने को मिलता है। और थिन एंड लाइट लैपटॉप है तो 3 cell 47 watt hour का ही बैटरी दिया गया है, तो इजीली आप 5 to 6 hours का बैटरी बैकअप यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर पाएंगे। हालांकि ये S सीरीज का प्रोसेसर है लेकिन वॉटेज भी तो ज्यादा है ना भाई, थोड़ा 7 watt hour ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत ज्यादा बैटरी बैकअप तो रहेगा ही। और भाई Lenovo IdeaPad सीरीज में एक स्लिम 5 भी आता है अंडर द बजट ऑफ 60,000। अगर आपको 12 जेन का प्रोसेसर चाहिए देन आप वो लैपटॉप भी प्रीफर कर सकते हैं। और स्लिम 3 और स्लिम 5 पे थोड़ा बिल्ड क्वालिटी का डिफरेंस आ जाता है। स्लिम 3 PCA भी इसके बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, वही स्लिम 5 आपको प्योरली एल्युमिनियम बिल्डअप के साथ देखने को मिलता है। बाकी नेक्स्ट लैपटॉप इन द लिस्ट, माय मोस्ट फेवरेट, और इसको मैं डिटेल में भी रिव्यू किया हूँ यार, लैपटॉप इज Lenovo Yoga Slim 6। ये लैपटॉप 64,000 के प्राइस पॉइंट में लिस्टेड है, बट इसका प्राइस बार बार ड्रॉप होते रहता है यार, आप फ्रिक्वेंटली चेक कीजिएगा। आफ्टर अप्लाइंग ऑल द बैंक डिस्काउंट इजिली ये अंडर 60,000 अवेलेबल हो जाएगा एट द Amazon। और सबसे अच्छी बात भाई, ये लैपटॉप प्योरली एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ आता है एंड इंटेल ईवो सर्टिफाइड है।
दैट मींस बिल्ड क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस में नो कॉम्प्रोमाइज। और भाई लैपटॉप को इंटेल वो सर्टिफिकेशन पाने के लिए बहुत से क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ता है, लाइक लैपटॉप विद इन 1 सेकंड वेकअप हो जाना चाहिए, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट रहना चाहिए, टाइप सी चार्जिंग का सपोर्ट रहना चाहिए, विंडोज हेलो सपोर्ट रहना चाहिए, आइदर तो फिंगरप्रिंट रीडर और फेशियल रिकॉग्निशन, एक अच्छा डिस्प्ले रहना चाहिए, बिल्ड क्वालिटी अच्छा रहना चाहिए, 9 आवर्स का बैटरी बैकअप रहना चाहिए, तब किसी लैपटॉप को मिलता है भैया इंटेल इवो का सर्टिफिकेशन। और ये सब चीज ये लैपटॉप कंप्लीट करता है तभी इसको इंटेल इवो का सर्टिफिकेशन मिला है। हालांकि यहाँ पर इंटेल का 12th gen i5-1240p प्रोसेसर दिया हुआ है, टोटल 12 कोर है एंड 16 थ्रेड, 12 कोर में से 4 परफॉर्मेंस कोर है एंड 8 इफिशियंट कोर, एंड लिटरली भाई मिड रेंज में काफी अच्छा प्रोसेसर है, पी सीरीज का टीडीपी रहता है 28 वॉट और आपको काफी धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। 16 GB LPDDR5 4800 MHz का डुअल चैनल रैम दिया गया विच इज नॉट फर्दर अपग्रेडेबल क्योंकि LPDDR5 है, और 512 GB का Gen 4 SSD दिया गया विच इज फर्दर अपग्रेडेबल अप टू 1 TB बाय रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग वन। और भाई ये लैपटॉप का डिस्प्ले लिटरली अमेजिंग है यार, 14 इंच 2.2 का डिस्प्ले देखने को मिलता है, 300 nits का पीक ब्राइटनेस है, 100% sRGB का कलर गैमेट है, और अच्छी बात डॉल्बी विजन भी सपोर्टेड है विद आई सर्टिफिकेशन। और भाई यहाँ पर फुल HD IR वेबकैम दिया गया है, सो आप इजीली फेशियल रिकॉग्निशन से लैपटॉप को अनलॉक कर पाएंगे, एंड लैपटॉप का वेबकैम क्वालिटी भी काफी अच्छा लगा है। एंड हाँ यहाँ पर भी MS Office Home and Student वर्जन 2021 का लाइफटाइम सपोर्ट दिया हुआ है। बाकी लैपटॉप इंटेल इवो सर्टिफाइड है तो यहाँ पर 3 cell 65 वॉट आवर का बैटरी दिया हुआ है यार, एंड इजिली आप 7-8 hours का बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर पाएंगे इन Lenovo Yoga Slim 6 अगर आप नॉर्मल ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं तो, क्योंकि लैपटॉप इंटेल ही वो सर्टिफाइड है एंड वॉट ओवर भी ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। बाकी लैपटॉप में थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है तो इजिली आप अपने लैपटॉप को टाइप सी से भी चार्ज कर पाएंगे, और यही फायदा रहता है भाई इंटेल इवो सर्टिफाइड लैपटॉप लेने का। और भाई कई लोग ऐसे रहते हैं ना जिनको थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर में एक पावरफुल लैपटॉप चाहिए, देन हियर वी हैव Asus VivoBook 16X। ये लैपटॉप 60,000 के प्राइस पॉइंट में आ रहा है, PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ देखने को मिलता है। यहाँ पर i5 12 जन 12450H का प्रोसेसर दिया हुआ है, टोटल 8 कोर एंड 12 थ्रेड, 8 कोर में से 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 इफिशियंट कोर। बाकी भाई सबसे मजे की बात, यहाँ पर आपको NVIDIA का RTX 2050 ग्राफिक्स देखने को मिलता है विद द 50W TGP, और क्या चाहिए भाई थिन एंड लाइट लैपटॉप में, आराम से आपका गेमिंग करा देगा, कलर रीडिंग वाला वर्क करा देगा, फुल HD लेवल का वीडियो एडिटिंग करा देगा, इवन आप 4K एडिटिंग भी कर पाएंगे 1-2 layer वाला। बाकी 8 GB DDR4 3200 MHz का डुअल चैनल रैम दिया गया है विच इज फर्दर अपग्रेडेबल अप टू 16 GB एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है। बाकी 512 GB का Gen 3 SSD है विच इज ऑल्सो अपग्रेडेबल बाई रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग वन। और अच्छी बात यार Asus के VivoBook सीरीज में Gen 4 SSD भी सपोर्टेबल है। बाकी भाई यहाँ पर डिस्प्ले काफी मेरे को अमेजिंग लगा, 16 इंच का WUXGA मतलब फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है विद 300 nits पीक ब्राइटनेस एंड 100% sRGB कलर गैमेट। तो ये मेरे को काफी अच्छा लगा यार कि 60,000 के बजट में हमको ग्राफिक्स के साथ एक 100% sRGB डिस्प्ले वाला लैपटॉप देखने को मिल रहा है, और उससे भी अच्छी बात 120Hz का रिफ्रेश रेट है, मतलब फुल गेमिंग वाला लुक उठा पाएंगे, इवन आप वीडियो एडिटिंग कलर ग्रेडिंग भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा इन Asus VivoBook 16X सीरीज। बाकी यहाँ पर भी बैकलाइट कीबोर्ड है, MS Office है, फिंगरप्रिंट रीडर है, 3 cell 50W आवर का बैटरी दिया हुआ है, इसलिए आप 5-6 hours का बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर पाएंगे नॉर्मल वर्क लाइक ब्राउजिंग कर रहे हैं, बैकलाइट वगैरह टर्न ऑफ है, इनकेस अगर आप हैवी वर्क करेंगे तो ज़्यादा बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट नहीं करो यार। और जितने भी ग्राफिक्स वाले लैपटॉप रहते हैं वो एक्चुअल परफॉर्मेंस तब देते हैं जब आप पावर प्लग इंसर्ट करके लैपटॉप यूज करते हो। सो गेमिंग लैपटॉप के लिस्ट में पहला लैपटॉप है Lenovo का IdeaPad Gaming 3 जो 56,000 में अवेलेबल हो रहा था ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड विद 8 GB ऑफ रैम, लेकिन अगर आप ऑफलाइन मार्केट जाएंगे तो आपको मिनिमम 16 GB रैम के साथ ये लैपटॉप देखने को मिलेगा। बाकी ये लैपटॉप में AMD का Ryzen 5 6600H प्रोसेसर है, टोटल 6 कोर एंड 12 थ्रेड, बेंचमार्क कंपैरिजन ग्राफ आपके सामने है कि ये प्रोसेसर कहां पर स्टैंड आउट करता है। और सबसे मजे की बात भाई यहां पर आपको RTX 3050 ग्राफिक्स देखने को मिलता है विद द 85W TGP। आप समझ सकते हो 60,000 के बजट में सीधा हमको RTX 3050 मिल रहा है, दैट्स अमेजिंग यार। बाकी बेस वेरिएंट में आपको 8 GB रैम देखने को मिलेगा एंड हाईएस्ट वेरिएंट में आपको 16 GB DDR5 4800 MHz का डुअल चैनल रैम देखने को मिलता है, और ब्रांड के हिसाब से आप मैक्सिमम 16 GB तक कई रैम अपग्रेड कर पाएंगे। बाकी 512 GB का Gen 4 SSD दिया गया है, SSD स्पीड इज जस्ट लाइक बीच का वाला, नॉट वेरी हाई नॉट वेरी लो, एंड अच्छी बात SSD का एक एक्स्ट्रा स्लॉट देखने को मिलता है, मैक्सिमम आप 2 TB तक SSD लगा पाएंगे इन Lenovo IdeaPad Gaming 3। और भाई IdeaPad Gaming 3 सीरीज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पर आपको सभी चीज़ अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पर 15.6 इंच का फुल HD IPS पैनल का डिस्प्ले देखने को मिलता है, 250 nits का पीक ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर गैमेट है, एंड रिफ्रेश रेट इज 120Hz।
डिस्प्ले का क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा यार। आप गेमिंग वगैरह करेंगे या इवन एडिटिंग वगैरह करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। एंड सबसे मजे की बात, यहाँ पर 4 जोन RGB बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है। दैट्स अमेजिंग यार कि हमको 60,000 के बजट में RGB बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिल रहा है। ये कोई भी ब्रांड इसलिए प्रोवाइड नहीं करता। और भाई फॉर द स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल, यहाँ पर MS Office का भी लाइफटाइम लाइसेंस दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर भी आपको सभी नेसेसरी पोर्ट्स देखने को मिलेगा। एंड 60 वॉट आवर का बैटरी दिया गया है, सो इजिली आपको 3 से 4 घंटे का ही बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा इन नॉर्मल वर्क, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है, ज़्यादा बैटरी बैकअप नहीं रहता। और हाँ, Lenovo IdeaPad Gaming 3 के लिए मेरा एक ही रिकमेंडेशन है, आप ऑफलाइन मार्केट एक्सप्लोर करो, आपको और भी अच्छे प्राइजेस में लैपटॉप अवेलेबल हो जाएंगे। देन भाई जिनका बजट एकदम टाइट है लाइक अराउंड 55,000 के आसपास, देन HP का भी एक लैपटॉप है, HP Victus 15। ये भी लैपटॉप मैंने रिव्यू कर रखा है, डेफिनेटली कैन वॉच इट। ये लैपटॉप अभी 55,000 to 57,000 के बीच अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पर लेटेस्ट AMD का 7000 सीरीज का Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर दिया हुआ है। यहाँ पर टोटल 6 कोर एंड 12 थ्रेड। बेंचमार्क कंपैरिजन ग्राफ आपके सामने है कि ये प्रोसेसर कहाँ पर स्टैंड आउट करता है। यहाँ पर NVIDIA का RTX 2050 ग्राफिक्स देखने को मिलता है विथ 4GB ऑफ VRAM एंड 50W TGP। बाकी यहाँ पर भी आपको 8GB DDR5 4800MHz का डुअल चैनल रैम दिया गया है, विच इज फर्दर अपग्रेडेबल अप टू 16GB एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है। 512GB का Gen 4 SSD दिया हुआ है भाई। एंड लिटरली यहाँ पर जो SSD का स्पीड था ना, वो Lenovo IdeaPad Gaming 3 से कहीं ज़्यादा था। बाकी Victus सीरीज में भी SSD का एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है, मैक्सिमम 2 TB तक SSD लगा पाएंगे। यहाँ पर भी बैकलाइट कीबोर्ड है, MS Office है एंड 4 सेल 52.5 वॉट आवर का बैटरी दिया हुआ है, एंड इसलिए आप 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर पाएंगे। और भाई यहाँ पर 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप क्यों मिल रहा है, ये अगर आपको जानना है देन आप कंपैरिजन वीडियो देख लीजिएगा बिटवीन द Lenovo IdeaPad Gaming 3, HP Victus सीरीज एंड ASUS TUF F15। वहाँ पर मैंने डिटेल में तीनों लैपटॉप को कंपेयर किया है, सो दैट आपको एक क्लियर डिसीजन लेने में हेल्पफुल हो कि विच लैपटॉप इज परफेक्ट फॉर यू बेस्ड ऑन योर पर्पस एंड चॉइस। देन भाई जिनको बेटर थर्मल्स एंड बेटर वॉट और बैटरी वाले लैपटॉप चाहिए अंडर द बजट ऑफ 60,000, देन हियर वी हैव ASUS TUF F15। ये लैपटॉप 59,000 के प्राइस पॉइंट में अवेलेबल हो रहा है, PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है एंड यहाँ पर i5 11th Gen 11400H प्रोसेसर दिया हुआ है। एंड आप 11400H को बिल्कुल भी अंडर रेट ना कीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है एंड आप बेंचमार्क कंपैरिजन ग्राफ में देख पाएंगे ये कहाँ पर स्टैंड आउट करता है। एंड अच्छी बात, यहाँ पर NVIDIA का RTX 3050 ग्राफिक्स दिया गया है विद द 4GB ऑफ VRAM एंड 75W TGP। दैट्स ग्रेट यार। एंड यहाँ पर डायनेमिक बूस्ट भी इंक्लूडेड है। बाकी 8GB DDR4 3200MHz का सिंगल चैनल रैम है, विच इज फर्दर अपग्रेडेबल अप टू 32GB एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है। 512GB का Gen 3 SSD है, विच इज ऑल्सो अपग्रेडेबल अप टू 2TB एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है। बाकी भाई यहाँ पर भी आपको 15.6 इंच का फुल HD IPS पैनल का डिस्प्ले देखने को मिलता है, 250 nits का पीक ब्राइटनेस एंड 45% NTSC का कलर गैमेट। बट अच्छी बात, आपको ASUS के TUF सीरीज में 144Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, तो जिससे आपका गेमिंग में मजा रहेगा वो काफ़ी अमेजिंग हो जाएगा। बाकी यहाँ पर भी आपको RGB बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी प्रेजेंट है एंड अच्छी बात यहाँ पर 4 सेल 90W आवर का बैटरी दिया हुआ है, तो इजिली आप 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर पाएंगे इन ASUS TUF F15। सो दोस्तों ये था बेस्ट लैपटॉप अंडर 60,000 एंड सभी लैपटॉप के बेस्ट बैंक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। सो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब। फटाफट हमको 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है यार। सो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।